आज का ये वीडियो है ये बेसिकली बेस्ड है इसरो का इंटरव्यू जो अभी हुआ था अप्रैल में उस पे। उसमें उन्होंने किस किस टाइप का क्वेश्चन करा था, वेन्यू क्या था, टाइमिंग कितना चला इंटरव्यू का, रिपोर्टिंग टाइम क्या था, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड था, उस पे ये बेस्ड है। तो हम शुरुआत करते हैं अभी। बेसिकली इंटरव्यू का टाइम क्या था, तो इंटरव्यू बेसिकली उन्होंने 25 से 30 मिनट के अराउंड चला था। उसके बाद वेन्यू तुम्हारा बैंगलोर में था, ठीक। और आगे की बात करें तो इसमें क्वेश्चन की बात करें और कितने पैनल मेंबर थे, तो मैं बताऊं कि बेसिकली इसमें 6 मेंबर थे पैनल में और इंक्लूडिंग आपका चेयरमैन के साथ। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि उनका रिपोर्टिंग टाइम क्या था, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा था उसके लिए। और उसके बाद वो बेसिकली वो टिकट विकट का जितना जो भी खर्च है वो मैं सब आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट लास्ट में। शुरुआत करते हैं फिर सबसे पहले क्वेश्चन से, उन्होंने किस किस टाइप का क्वेश्चन करा था। और ये बेसिकली आपको टाइप में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, लेकिन इससे तुम्हें बेसिकली आइडिया ये लग जाएगा कि वो किस किस टाइप का क्वेश्चन वो मतलब करते हैं और इंटरेस्टेड कैसे हैं, या फिर क्या उनका सिस्टमेटिक चलता है क्वेश्चन पूछने का तरीका। तो मैं बात करूँ सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपको बेसिकली यह करना है अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट, ज़्यादा लंबा नहीं टालना है, आपको शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में उन्होंने पूछा, तो आपको बताना है आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। लेकिन हाँ, ये आप उस समय ध्यान रखना कि अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो तो उसमें थोड़ा आप इंटरेस्टेड रियली में हो, ऐसा नहीं कि वो आप कुछ ही बोल दो और वो ऑब्वियसली सामने से वो कुछ पूछेंगे उसके बारे में, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप बताइए इसके बारे में कुछ। तो हाँ, आप इतना नॉलेज रखो कि आप उसके बारे में आपको बेसिकली आइडिया हो अच्छे तरीके से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो फेवरेट सर के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन उन्हें पूछना था, तो उन्होंने उससे कुछ 2-3 रिलेटेड क्वेश्चन करा। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि मेरा वो थर्मोडाइनमिक्स है, तो वो थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद अब देखो, शुरुआत उन्हें बहुत बेसिक से करा, जैसे कि तुम्हारा फ्रिक्शन के बारे में पूछा, फ्रिक्शन क्या होता है, फिर आपका फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन का लॉ होता है, लॉ के बारे में उन्होंने पूछा। जैसे फ्रिक्शन आपका लॉ होता है, 3 लॉ बेसिकली होता है, वो आपको सब पता है कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो तुम्हारा सरफेस एरिया से इंडिपेंडेंट, यही सब होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सब वो उन्होंने पूछा। ये आपको बताना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बेसिक बेसिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, यही सब आपका जो फ्रिक्शन का लॉ है ना, तीन है, तीनों आपको बताना है और आगे निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर बस आपको जितना वो पूछे उतना ही बताना है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना है। जैसे आगे की मैं बात करूँ तो उन्होंने पूछा कि फ्रिक्शन का टाइप कितने टाइप का होता है, तो फ्रिक्शन का टाइप बेसिकली दो ही होता है, स्टैटिक और काइनेटिक, बाकी फिर आगे चला जाता है रोलिंग में और ये सब में। तो आपको फिर बेसिक बेसिक बताना है जो जो आपने पढ़ा है बेसिकली। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कौन सा ज्यादा होता है, स्टैटिक या काइनेटिक, सबको पता है कि स्टैटिक ज्यादा होता है, अब पूछा उन्होंने क्यों, तो उसका आपको जवाब देना, ज्यादा टफ तो है नहीं ऐसा कुछ। उसके बाद हाँ, ये एक है कि उन्होंने बोर्ड पे भेज के और ग्राफ बनवाया वो, कि आपका क्यों बेसिकली स्टैटिक, अगर आप जवाब दे रहे हो कि स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा, स्टैटिक आपका फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप क्यों क्यों ज्यादा होता है, तो ग्राफिकली उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड पे किया, बोर्ड पे उन्होंने बोला, ठीक है। अब आगे की बात करूँ तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हो, तरीका क्या होता है। तो इसका बेसिकली आपको वो मैंने यहाँ सब लिख रखा है, बेसिकली नोट्स बना रखे क्या क्या आपको बताना है, इससे शॉर्ट आइडिया रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्या कहा था, ये आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो बेसिकली दो आइडिया हम लेके चलते हैं, जिसमें पहला आपका है जो एंगल ऑफ मूवमेंट होता है उसको मेजर करके बता सकते हैं कि आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है। दूसरा आपका एक है आपका दूसरा है आपका यूजिंग अ फोर्स गेज, आप फोर्स गेज के थ्रू भी आप बता सकते हो कि आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, आप मेजर कर सकते हो, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जो ये था आपका यहाँ से इन्होंने पूछा था सोम का जो पार्ट आपका ये वाला पार्ट जिसमें बेयरिंग वाला सेक्शन आ जाता है, तो उस वहां से उन्होंने पूछा था जी, बेसिकली ये मशीन डिजाइन का पार्ट है लेकिन कितने लोग इंक्लूड कर देते हैं ये सोम में। तो इन्होंने क्या करा कि आप बोलो स्मॉल बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल जो बेयरिंग होता है, बेसिकली बेयरिंग बॉल जो होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का आपका क्या बताना था, कैसे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबको पता है कि रोलिंग के थ्रू हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये आपको जवाब देना था। और उसके बाद फिर सर, सरफेस रफनेस का आपका इफेक्ट क्या होता है बॉल बेयरिंग पे, अगर मान लो बॉल बेयरिंग पे आपका क्या हुआ कि सरफेस बढ़ गया घट गया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला हम देखो तो उसमें सरफेस रफनेस आता है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट रिवॉल्यूशन पे आता है, जो रिवॉल्व करता है उस पे आता है इसका, ठीक है। अगर मान लो सरफेस रफनेस बढ़ गया तो क्या होगा, प्योर रोलिंग नहीं, प्योर रोलिंग बेसिकली वो रोलिंग नहीं करेगा, कभी कभी वो क्या करेगा
स्लाइड कर जाएगा, तो इससे क्या होगा उसका रिवॉल्यूशन पे इफेक्ट आएगा, तो ये आपको बताना था। उसके बाद फिर मटेरियल कौन कौन का यूज करते हैं आपके, किसमें बॉल बेयरिंग का जो बॉल होता है उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो आपको बताना कि जैसे होता है आपका कार्बन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, क्रोम स्टील हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, टाइटेनियम हो गया, और बहुत सारा होता है वो आपको बेसिकली बताना है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट होता है वो आपको तो आपको बताना ही बताना है, अगर आपको पूरा याद हो तो आप पूरा बता सकते हो, बस काम रहना है और आपको जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि उसमें जो बियरिंग होता है, बियरिंग में स्ट्रेस कंपोनेंट कितना होता है, कैसे कैसे टूटेगा, ये आपको बताना है वहां पे, ये सब ज्यादा टफ है नहीं, वो आपको बताना है। अब देखो फिर उन्होंने सोम पे स्विच करा, उन्होंने सोम में उन्होंने बेसिकली पूछा था आपका बीम के सेक्शन से, ठीक है, डिफ्लेक्शन और बीम का जो होता है वहां से पूछा था कि आपको एक ड्रॉ करना है यूडीएल डायग्राम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला डायग्राम, और उसमें एक टिप पे आपको एक लोड देना है, ठीक है, वो समझ रहे हो, और उसका डिफ्लेक्शन, पहले तो ये उन्होंने पूछा कि आप इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बन गया, अब उन्होंने पूछा कि आप डिफ्लेक्शन इसका बताओ, इस बीम का जो आपने बनाया यूडीएल और टिप पे एक लोड उन्होंने दिया, और उसके बाद बताओ इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये बहुत आसान है, ये ज्यादा मुश्किल है नहीं। अगर मान लो पहले क्या करना है कि आप यूडीएल यूडीएल है और एक टिप पे लोड है, तो आप क्या करो यूडीएल का अलग बना लो और आपका एक बीम बना लो सिंपली सपोर्टेड, और उसमें टिप पे लोड दे दो, और आप दोनों का अलग अलग डिफ्लेक्शन निकाल के अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर दो, और दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हो सब्सट्रैक्ट करके आप बता सकते हो कि सर ये डिफ्लेक्शन हो गया और आपका ये क्या हो गया आपका स्लोप हो गया, ठीक है, ये बता सकते हो। अगर उन्हें अगर वो अलग पूछते कि नहीं नहीं आप बताओ कि यूडीएल का आपका स्लोप का वैल्यू कितना होता है, तो आप सिंपल होता है WL की Q/6EI, और अगर उन्होंने पूछता कि बताओ सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या होता है, तो आप बता सकते हो सिंपल, ज्यादा टफ है नहीं ये। अब देखो एक उन्होंने पूछा क्या कि क्योंकि देखो इनका अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका आप नोटिस करो तो इससे पता लगता है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन अगर उन्होंने बियरिंग से पूछा तो बियरिंग से लगातार 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो फ्रिक्शन से पूछ रहे थे तो फ्रिक्शन से उन्होंने लगातार क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और सारा बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग पूछ रहे हैं। जैसे अब देखो ये अभी चल रहा था बेसिकली बीम से, तो बीम से उन्होंने शुरू कर दिया, अब देखो उस बीम से उन्होंने स्लोप हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, ये सब वहीं से उन्होंने पूछना शुरू कर। आगे की मैं बात करूँ तो फिर उन्होंने देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा था कि डिफरेंट मेथड ऑफ यूज टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, मतलब बेसिकली पूछ रहे हैं क्या इन्होंने कि स्लोप और डिफ्लेक्शन जो अभी आपने निकाला तो आप बताओ इसका कितने टाइप का मेथड होता है, तो आपको बताना है ये डबल इंटीग्रेशन मेथड आपका हो गया, फिर मोमेंट एरिया मेथड से निकालते हैं, उसके बाद कंजुगेट बीम हो गया, और एक इसमें क्या है ना कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं बेसिकली, ये मेरे को पता नहीं था, मेरे को भी तीन ही पता था, लेकिन एक और होता है मैकले एक करके कुछ होता है, उसके थ्रू भी हम डिफ्लेक्शन और स्लोप का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने करा था सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपका बीम, ये भी बीम से ही रिलेटेड है, तो हम मानते हैं कि आपका बीम परफेक्टली इलास्टिक है, और आपका एक क्या है तुम्हारा कि बीम बीम इज अंडरगोइंग अंडर द लिनियर डिफ्लेक्शन बीम का है, और यही सब जो भी है आपका वो सब बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा नहीं था, और इसका हमेशा ही सब जगह यूज कर सकते या नहीं कर सकते ये आपको बताना था। फिर कास्टिग्लियानो थ्योरम का पूरा वो आपको पता ही होगा, ये बीम का सबसे लास्ट डिफ्लेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में ही बताया था कास्टिग्लियानो थ्योरम, उसका आपको स्लोप का वैल्यू यानी थीटा और डिफ्लेक्शन का वैल्यू यानी वाई का आपको वैल्यू बताना था, वो आप बता सकते हो। फिर उन्होंने आगे पूछा कि चलो तो आप बताओ अब कंफर्टेबल हो तो ऑटोमोबाइल के बारे में, तो अब ऑटोमोबाइल का कुछ क्वेश्चन हो जाए तो ऑटोमोबाइल से देखो, अब ऑटोमोबाइल जब वो आया तो वो वहां से फिर क्या करा उन्होंने सारा क्वेश्चन फिर ऑटोमोबाइल पे शिफ्ट होकर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है जैसे बेल्ट पे शुरुआत उन्होंने करा, तो बताया कि अच्छा आप बताओ कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ड्राइव होता है, ठीक है, बेल्ट ड्राइव और आपका गियर ड्राइव, आप कौन सा प्रीफर करोगे, ठीक है, जैसे बेल्ट ड्राइव गियर ड्राइव में प्रीफर कौन सा करते हो, तो आपको सीधा एग्जाम ये क्या हो गया, ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे, फिर उसके बाद अगर कम है तो हम वहां से बाकी गियर का यूज करते हैं, ये सब आपको बेसिक बेसिक आइडिया ही आपको वहां बताना था, तो ये नहीं है एक जवाब, इसमें आपको सब्जेक्टिव है, आप कंडीशन के साथ इसमें आपका आंसर देना होता है, देना होगा, ठीक है। और आप फिर उन्होंने पूछा कि चलो आप बताओ आपने कहीं देखा है बेल्ट ड्राइव का यूज, तो आपको बताना, हाँ तो उससे जैसे मेरे को पता था, तो अगर मेरे को पता है तो मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने देखा है कि बेसिकली कहाँ पे यूज होता है,
आपको ये बताना है। और उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ कि हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव भी ज्यादा यूज क्यों करते हैं, बेल्ट ड्राइव तो बहुत सारा होता है जैसे वी बेल्ट ड्राइव भी होता है, तो हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव क्यों यूज करते हैं, तो आपको बताना है। क्योंकि देखो एक मैं बता दूं आपको, फ्लैट बेल्ट ड्राइव का बेसिकली क्या होता है, आपका इफिशियंसी ज्यादा होता है ठीक है रिस्पेक्ट ऑफ वी बेल्ट ड्राइव, ये आपको बताना है। और देखो लेकिन अगर पावर की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन कौन ज्यादा करता है, वी बेल्ट ड्राइव रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, तो ये सब आपको डिफरेंस बताना है ठीक है। क्योंकि हम इफिशियंसी पे जाते हैं तो यूज ज्यादा हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव का करते हैं। और बेयरिंग का टाइप फिर देखो ये बीच में बेल्ट चला, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे ना तो बियरिंग से इन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, मतलब बेसिकली बियरिंग और बियरिंग के मटेरियल क्या है, जैसे फिर वो स्विच कर गए किस पे, बियरिंग का आपका टाइप क्या क्या होता है, कितना टाइप का होता है, सबको पता है डीप ग्रूव होता है, एंगुलर होता है उसके बाद टेपर्ड होता है, उसके बाद सिलिंड्रिकल होता है और बहुत सारा होता है, वो आपको सब बताना है। अब बताओ एक उन्होंने फिर पूछा देखो सेल्फ लुब्रिकेटेड बियरिंग और प्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग क्या क्या होता है, तो आपको बताना है। सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग किसको बोलते हैं, जैसे जिसमें मान लो कि मटेरियल में पहले से आपका ग्रेफाइट है तो सेल्फ लुब्रिकेटेड हो गया, और यही आपको सारा जवाब देना है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो फिर उन्होंने क्या करा क्वेश्चन, ये आपका स्टील का डेंसिटी क्या होता है, तो ये सबको पता है 8050 8050 kg/m3 के आसपास आपका चलता है, ये आपका क्या होता है डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील बेसिकली ये होता है, उसमें आप 10-20 करोगे तो उतना कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन जनरली ये होता है 8050 के आसपास kg/m3 आपका चलता है डेंसिटी ऑफ स्टील। उसके बाद एल्यूमिनियम के बारे में पूछा कि एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना होता है, आपको बताना है 2.7 g/m3 होता है, आपको वो आपको बताना है, वो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको केजी में जवाब देना है या ग्राम में देना है, वो वहां पूछेंगे तो आप आसानी से कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल है नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ कोई इरेगुलर शेप का है और उसका हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, आपको मास तो पता होगा, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि आप अगर मान लो इरेगुलर शेप है तो उसका छोटा छोटा शेप अलग अलग करके और उसका वॉल्यूम सिंगल सिंगल निकाल लो वॉल्यूम, उसके बाद सबको ऐड कर दो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, आप वहां से निकाल सकते हो। फिर क्या होता है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में पूछा क्या होता है, तो आपको बताना है कि ट्रांजिशन क्या होता है आपका, कि जहाँ पे या तो उसका प्रॉपर्टी लॉस होता है जो उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, या फिर उसका क्या होता है एक कुछ अलग प्रॉपर्टी वो गेन करता है, वही ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है तुम्हारा। और फिर उन्होंने पूछा कि अगर लो टेम्परेचर है तो उस पर हम कौन सा मटेरियल प्रीफर करेंगे, तो इसका जवाब मैं बताऊं तो मैं इसका जवाब बेसिकली एल्यूमिनियम ही होना चाहिए, क्योंकि देखो एल्युमिनियम का हम जनरली एक तो इजिली अवेलेबल या सेकंड है कि आपका इसका टेम्परेचर रेंज -75 से -100 तक डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो आप हम इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। फिर उन्होंने पूछा था कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड में कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, वो उन्होंने पूछा, तो ये सबको पता है कि निकल बेस्ड सुपर अलॉय यूज करते हैं, और एक दो क्वेश्चन आगे से पूछा उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक ही। देखो बेसिक से आइडिया यही मिलता है कि वो अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहा है तो वो उससे ही लगातार क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद अगर मान लो कि वो पूछ रहे हैं कोई कोई सब्जेक्ट से उन्होंने क्वेश्चन शुरू कर, मान लो डिफ्लेक्शन से, तो डिफ्लेक्शन का वो लगातार क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आपको टॉपिक जो क्लिप पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि आप उसमें डीप में चले जाओ, कि उससे क्वेश्चन क्रिएट करो कि नहीं ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आपको वहां पे जैसे उन्होंने डायग्राम बनवाया कि आप बता दो एक यूडीएल का, यूडीएल का और उसमें एक एंड में आप एक लोड दिखा दो ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे आप तो डायग्राम बना रहे लेकिन क्या डायग्राम बाद उन्होंने सबसे दोनों दोनों का अलग अलग स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू पूछ लिया, फिर उसके बाद कर सकते हैं, इसी का एक्सटेंशन ही हो गया आपका पार्ट। अब मैं बात करूं कि इसका टाइमिंग का, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कितना लगा, 20 से 25 आधे घंटे के आसपास रख लो, आधे घंटे लगभग आपका चला था, वेन्यू आपको मैंने बता दिया कि इसका बेसिकली बैंगलोर में हुआ था। और रिपोर्टिंग टाइम का बात करें तो क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम ये 2 बजे क्या, हाँ 2 PM में इन्होंने बुलाया था कि आपको रिपोर्ट करना है, और इसका डेट जो था वो अभी इसी मंथ अप्रैल में आपका हुआ था 16 तारीख को। और इस डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या क्या मांगा था, कॉल लेटर, जो इंटरव्यू कॉल लेटर है वो तो ऑब्वियस है तो मांगेंगे, उसके बाद आप बताओ कोविड रिपोर्ट, क्योंकि अभी कोविड का चल रहा है तो कोविड रिपोर्ट उन्होंने मांगा था, उसके बाद अपना जो डिक्लेरेशन होता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो उन्होंने मांगा था, और हाँ ट्रेन टिकट या फिर जो भी टिकट आपका जैसे भी आप गए हो वो टिकट उन्होंने मांगा था। टिकट क्यों मांगा, आपको वो पैसे देंगे ना भाई जो आप जा रहे हो, तो उसका वो बेसिकली टिकट विकट सारा डिटेल मैंने आपको बता दी जो जो उन्होंने पूछा था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ये थोड़ा लंबे टाइम के बाद ही वीडियो आया है, तो अगला वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा। चलिए ठीक है, ओके बाय।